एक ओर सूबे के मुखिया आवारा पशुओं को आश्रय स्थल देकर उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए गहनता से कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी बेहतर तरीके से करने का फरमान जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके वह बेमौत मारे जा रहे हैं और अफसर आज भी उनकी सुरक्षा से बेखबर हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं के झुंड आज भी देखे जा सकते हैं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सिसौली गाँव में हाईटेंशन लाइन के गिरने से लगभग आधा दर्जन गायों की मौत हो गई और बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी देखने तक नहीं पहुंचा। लगातार बिजली विभाग के अफसरों की उदासीनता के चलते घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिजली विभाग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहीं आज बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सिचौली गाँव में हाईटेंशन लाइन टूट कर नीचे गिर गयी, जिससे लगभग आधा दर्जन गाय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के जेई से कई बार जर्जर लाइन ठीक करवाने की शिकायत की गई थी, लेकिन लाइन ठीक नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेई ने लाइन ठीक कराने के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की थी, न देने पर लाइन ठीक नहीं कराई गई। आज खेत में लाइन टूटकर गिर गई, जिससे गायों की मौत हो गई। सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई अधिकारी घटनास्थल पर मृत गायों को देखने के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। परेशानी जी है सर, कई बार जैसा भी कही है लाइन सही करा दो, पुरानी हो गई 1.5 साल पुरानी, और जैसा कराते ही नहीं है। 10-12 भग जाए तो कहते 6,000 रुपया दो तब धरा जाएगा। बहुत परेशानी है इस लाइन से, कौवा बैठ जाता है जब भी टूट जाती है लाइन जी। इस लाइन से ज्यादा परेशानी है ही नहीं, पूरे गाँव में सुनते ही नहीं है कोई लोग। यहाँ पर लाइन के मामले में जय को तो उस पर चाहिए। देखिए, गांव सिसौली पड़ता है बिसौली में, जहां पे आज गांव के सम्मानित लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी जेई साहब से कि लाइन बहुत बंजर है, इसमें कभी भी घटना हो सकती है। और जेई साहब ने ये जहनीयत भी नहीं उठाई कि इसको आगे देख लेना चाहिए। सुबह 10 बजे लाइन टूटने से 5 गायों की हत्या हो गई है, जिसमें विद्युत विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया गया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। और यहाँ पे अभी तक जेई साहब ने आने की जहनीयत भी नहीं उठाई।